बिहार में आज 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और जिसका आंकड़ा लगातार सुबह से सामने आ रहे हैं। बता दें आपको कि इस वक्त आरा, जहानाबाद, नालंदा, समस्तीपुर, पाटलिपुत्रा, पटना साहिब, इन तमाम जगहों पर मतदान है और लगातार मतदाता मतदान केंद्र पर जाकर मतदान दे रहे हैं। 1 बजे तक का जो डेटा निकलकर सामने आया है उसके हिसाब से 35.65% वोटिंग हुई है। बिहार विधानसभा की एक सीट अग्याव में हो रहे उपचुनाव में दोपहर 1 बजे तक 33.10% पोलिंग हुई है। कुल मिलाकर अब तक 35% के आसपास का आंकड़ा आया है, यानी कि अब तक बिहार के जो 8 लोकसभा सीट है इसमें कुल मिलाकर औसत 35% वोट हुए हैं। 1 बजे तक का समय है, इसके अलावा 5 घंटे और वोटिंग होनी है। लगातार मतदाता आ रहे हैं मतदान केंद्र पर और मतदान कर रहे हैं। हालांकि अगर मौसम के बारे में बात करें तो मौसम भी ठीक है। पिछले कई दिनों से बेहद ही ज्यादा तपिश थी, हवा गर्म चल रही थी, धूप बहुत कड़ा था, लेकिन कल से मौसम ने करवट ली है। कल से मौसम अच्छी है, मौसम में ठंडक है। आज की अगर मौसम की बात करें तो आज भी बेहतर मौसम है, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं लग रही है। ऐसे में मतदाता मतदान केंद्र पर जा रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान भी कर रहे हैं। जितने वीआईपी वोटर्स की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मतदान दिया, तमाम प्रत्याशियों ने भी मतदान किया है अपने अपने बूथ पर जाकर। इसके अलावा कई सारे नेताओं ने भी मतदान कर दिया है। अभी जो परसेंटेज निकलकर सामने आई है उसके हिसाब से नालंदा में दोपहर 1 बजे 32.94% वोटिंग हुई, पटना साहिब में 29.22%, पाटलिपुत्र में 40.78%, आरा में 33.7%, बक्सर पर 37.79%, सासाराम में 37.12%, काराकाट में 39.53% और जहानाबाद में 36.66% वोटिंग हो गई है। 1 बजे तक औसत कुल 35.65% वोटिंग हुई। विधानसभा उपचुनाव में अग्याव सीट पर 1 बजे तक 33.10% मतदान हो चुका है। इन तमाम पांचों सीटों पर जो मतदान हो रहा था बेहद ही ज्यादा जहानाबाद हॉट सीट रहा, काराकाट भी हॉट सीट रहा। जहानाबाद से एक तरफ चंदेश्वर चंद्रवंशी, दूसरी तरफ सुरेंद्र यादव और निर्दलीय उम्मीदवार अरुण कुमार पर जो टक्कर लगे हुए हैं, इन तीनों का टक्कर है वहां पर। दूसरी तरफ काराकाट की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा, पवन सिंह और बाकी राजा राम सिंह कुशवाहा, ये तमाम नेता आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में बिहार के तमाम सीटों पर जो मुकाबला है आज इस मुकाबले का निर्णय लिया जाएगा। मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंच चुके हैं, मतदान कर रहे हैं और अब एक एक करे आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। हम तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झांकी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।